हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में डाटा मेनू के अंदर आने वाले टेक्स्ट टू कॉलम्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से डाटा होता है जिसमें या तो स्पेसेस होते हैं या फिर टैब्स लगे होते हैं या फिर कॉमा के साथ कुछ डाटा होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आपके पास जो डाटा है वो जो है स्पेस के साथ है। हम दूसरा डाटा यहाँ पर भी ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास कॉमा लगा होगा, जैसे हमने लिखा राम इज गुड बॉय। ठीक है, ऐसे ही डाटा और ले लेते हैं जिसमें टैब्स होंगे, राम टैब। तो यहाँ पर तो टैब होगा नहीं, टैब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे एक्सेल में या वर्ड में आपने कुछ लिखा हुआ है इस तरीके का डाटा, वो आप लाते हो तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो। खैर, अब करेंगे कैसे, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको उठा के नीचे रख लेते हैं क्योंकि ये कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा कि आपका एक एक शब्द जो है वो एक एक कॉलम में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि या तो स्पेस होना चाहिए या फिर कॉमा होना चाहिए या फिर टैब्स होने चाहिए बीच में, तो हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसका टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिक्स्ड विड्थ लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे ही रह देना है या फिर आप डेलिमिटेड विड्थ पे क्लिक करेंगे। डेलिमिटेड विड्थ का मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पर गैप्स दिए हैं या स्पेसेस दिए हैं या टैब, जैसे यानी क्या ना कॉमा टैब, तो आप उसका यूज कर सकते हो। आपने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर देखिए आपका जो है अलग अलग में आपको दिखा रहा है, रिव्यू दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट किया आपने, अब यहाँ कॉलम डाटा फॉर्मेट कैसा होगा, जनरल है, हमारा डाटा का टाइप क्या है, जनरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है आपका क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखे हुए हैं। अगर इसमें आपका डेट या कुछ और होता तो वहाँ पे हम उसको भी हम लिख सकते थे, मेंशन कर सकते थे। ओके किया, देखिए सब आपका अलग अलग उसमें चला गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास देखिए डेलिमिटेड अपने आप आ गया क्योंकि यहाँ पर क्या है सेपरेटर के रूप में कॉमा लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट करेंगे आप, यहाँ पर देखिए टैब का ऑप्शन दे रहा है, टैब नहीं है हमारे पास, हमारे पास क्या कॉमा, तो हम यहाँ पे कॉमा पे टिक लगा देंगे। टैब पे अगर हम टिक लगाते तो देखिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे इसमें क्या है टैब्स नहीं है, कॉमा लगे हैं। तो हमने कॉमा पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है और हमारा डाटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट टू कॉलम्स काम करता है। थैंक यू।